हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मंजीत। गार्डनिंग मंजीत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगी कि इन पिटूनिया के फ्लावर्स को हम लोग नेक्स्ट सीजन के लिए कैसे सेव कर सकते हैं। इनके बीजों को कलेक्ट करके इनको अगर हम लोग सेव कर लेंगे तो नेक्स्ट ईयर भी हम लोग इससे भी ज़्यादा प्लांट्स हम लोग ग्रो कर सकते हैं। और मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हम लोग इनको ग्रो कर सकते हैं। जिस तरह से फ्रेंड्स, ये हम लोग के ये फ्लावर सूख जाते हैं, ड्राई हो गए हैं, तो फिर वो अगर हम लोग इनको हटाते हैं तो यहाँ पे ये ग्रीन पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए, इनके अंदर सारे बीज कलेक्ट रहते हैं, तो ग्रीन में तो आपको तो मिलेंगे नहीं इस समय, लेकिन जो सूख जाते हैं, जैसे ये ड्राई हो गया है, ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। और ये देखिए, यहाँ से फट भी गया थोड़ा सा, इसके अंदर से आपको बीज भी दिखाई देते होंगे, ब्राउन कलर के बीज हैं। तो ये सारे जितने भी पौधे हैं, इनके जो फ्लावर्स गिरते हैं उसके बाद जो पोर्शन होता है उसमें ये सारे बीज कलेक्ट रहते हैं। तो इन बीजों को हम लोग कलेक्ट करके नेक्स्ट ईयर के लिए सेव कर सकते हैं। तो इसको हम लोग ध्यान से हटाएंगे। देखिए, मैंने काफ़ी अब तक छोड़ा हुआ है ताकि मैं बीज कलेक्ट कर सकूं, और उसके बाद सारी फ्रेश करके कट कर दूंगी ताकि इसमें फिर से नई फ्लावरिंग शुरू हो सके। अगर हम लोग नहीं कट करते रहेंगे तो फ्लावर्स आने कम हो जाएंगे। तो बहुत ध्यान से हम लोग करेंगे इसको कट, क्योंकि इसमें से फिर बीज गिरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो ड्राई हो गया है पोर्शन, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ड्राई हो गया है, इसको मैं कट कर लूँगी। ये हाथ से ही कट हो गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, जो ये यहाँ पे क्रैक हो गया है, ये भी मैं आपको दिखाती हूँ और बीज भी निकाल के मैं दिखाती हूँ इसमें से। ये देखिए, ड्राई होने के बाद इसमें से ये बीज निकल रहे हैं, और इस एक पेटल में काफ़ी संख्या में बीज मिल जाते हैं, और जिस कलर का फ्लावर रहेगा उसी कलर के बीज निकलते हैं। जैसे ये पूरा वाइट लग रहा है, और जैसे लाइनिंग में है ये डार्क ब्राउन कलर, पर्पल कलर है। तो जिस तरह के, जिस रंग के फ्लावर का ये बीज होगा उसी रंग के आपको फ्लावरिंग मिलेगी। तो इसी तरह से हम अपने बीजों को कलेक्ट कर लेंगे और बाद में इनको दो तीन, इसके बाद फ्रेंड्स थोड़ी सी आप यहाँ पे गुड़ाई कर दें ताकि जो है मिट्टी में नीचे भी हवा पास हो सके। चारों तरफ से आप हल्की हल्की गुड़ाई कर दें, और साथ ही साथ इसको आप घुमाते रहें, क्योंकि एक तरफ सूरज की रोशनी पड़ने से फ्लावरिंग एक साइड होती है और दूसरी साइड कम होने लगती है। और उसके बाद आप रेगुलर बेसिस पे पानी भी देते रहें, पानी बहुत ज़्यादा नहीं दें, हल्का हल्का आप इसको वाटरिंग भी करते रहें। से हम अपने बीजों को कलेक्ट कर लेंगे और बाद में इनको दो तीन दिन के लिए सुखा के, एक ही पेटल्स में बहुत सारे बीज दिखे निकल आए हैं, तो इनको हम लोग दो तीन दिन सुखा लेंगे। बहुत ज़्यादा सूरज की धूप ना हो, सेमी शेड एरिया में दो दिन सुखा के फिर इसको फ्रेश सूखी बोतल में रख लेंगे और उसको लेबलिंग कर लेंगे। इससे क्या होगा, नेक्स्ट ईयर हम लोग को पता रहेगा कि वो कौन से बीज हैं। ये देख रहे हैं फ्रेंड्स, एक उंगली में ही ये 8-10 बीज मेरे लग गए हैं, क्योंकि अभी ये इसमें नमी बनी हुई है। एक दो को और मैं कट करती हूँ। काफ़ी संख्या में देखिए, एक ही पेडल में ये लगभग 40-50 बीज निकल आए होंगे दो ही पेडल से। और जो ये खाली हो जाएंगे इसको हम लोग फेंक देंगे, क्योंकि इसका यूज़ नहीं है इसमें से बीज निकालने के बाद। और इसको हम लोग ढक के कवर करके रख देंगे नेक्स्ट ईयर के लिए, और उस समय सितंबर से अक्टूबर में हम लोग इसको दोबारा से ग्रो कर सकते हैं। आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। थैंक यू।